इधर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस चैप्टर का कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा वेलकम टू वीडियो नंबर 11 जहां पे हम स्टार्ट करने वाले हैं स्पेशल फंक्शंस ओके स्पेशल फंक्शंस में पहला क्या रहेगा अपना बेजल्स डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा जिसको हम बेजल्स इक्वेशन भी बोलते हैं तो इस वीडियो हम देखेंगे बेजल्स इक्वेशन क्या होता है और उसका कंप्लीट सोल्यूशन क्या होता है उसके बाद रेकरेंस फॉर्मूले जो होते हैं उसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे और इसके बाद के जो वीडियोज रहेंगे वीडियो नंबर ट्वेल्व थर्टीन एंड फोर्टीन वहां पर हम रेकरेंस फॉर्मूले को प्रूव करेंगे ओके okay? एक एक फॉर्मूले को जो है वहाँ पर पकड़ उसको प्रूव करेंगे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज को लाइक करें और इस चैप्टर के पूरे को जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ओके इतना सपोर्ट तो आप दे ही सकते हैं मुझे थीके? आगे बढ़ते हैं एन स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू जीरो एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स इंटू वाई डैश प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो इस कॉल्ड बेजल्स डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन ये क्या कहलाता अपना ये बेजल्स डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन और इसका जो कम्प्लीट सोल्यूशन होता है दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ इट्स सोल्यूशन मे बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ वाई प्लस टू ए इंटू जे एन एक्स प्लस बी इंटू जे माइनस x, okay, y जो होगा क्या हो? अपना क्या कम्प्लीट सोलन होगा एंड प्लस बीटूस एन एक्स अपना माइनस एन उसको भी अपन एक बार देख लेते हैं यस जे एन एक्स इज कॉल्ड बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट अपना क्या कहलाता है इट इज कॉल्ड एज बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर एन वैसे ही हमारा जे माइनस एन एक्स क्या कहलाएगा इट इज कॉल्ड बेजल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर माइनस एन यस जे एन एक्स क्या कहलाता है बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर एन और ये अपना क्या कहलाता है यस दैट इज माइनस एन एक्स इट इज कॉल्ड एज बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर माइनस एन ओके यस अब यहाँ पे आपको फॉर्मूले भी पता होना चाहिए Yes, ये फॉर्मूला अगर आपको पता नहीं है तो आगे के जो टॉपिक्स होंगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा बिकॉज़ हम इन सभी, इन सभी दोनों को ही यूज़ करते हुए फॉर्मूले प्लस इसके बेस जितने प्रॉब्लम्स होते हैं हैं उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो जे एन एक्स क्या होता है? Jnx अपने क्या होगा जे एन एक्स ये अपना क्या होगा टू इन्फिनिटी माइनस वन पावर आर एक्स अपॉन टू पावर एन प्लस टू आर इंटू वन अपॉन फैक्टोरियल एन प्लस वैसे ही अगर आप निकालना चाहते हो दैट इज माइनस एन एक्स तो ये क्या हो जाएगा जहां पे एन है वहां पे आप माइनस एन से उसको रिप्लेस कर लीजिए दैट इज समेशन आर इक्वल्स टू जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन पावर आर क्या होगा माइनस एन प्लस टू आर वन अपॉनियर क्या होगा एन था तो यहाँ पे क्या होगा हो तो हो मतलब तो जहां एन लिखा है वहां वहां क्या हो जाएगा अपना ये माइनस एन हो जाएगा ओके अब देखते हैं रेकरेंस फॉर्मूला यस तो ये हमारा क्या है रेकरेंस फॉर्मूला फॉर जे एन एक्स तो ये जो है यहाँ पे खुद दिख रहा होगा टोटल छह फॉर्मूले हैं दिख रहा होगा आपको ये छह फॉर्मूले जो हैं हम आगे के वीडियोस दैट इज वीडियो नंबर ट्वेल्व थर्टीन एंड फोर्टीन ये तीनों वीडियो में हम क्या करेंगे दो दो को अपन यहाँ पे प्रूफ करने वाले हैं ट्वेल्व में ये दो रहेंगे थर्टीन में ये दो प्रूफ करेंगे और फोर्टीन में ये दो प्रूफ करेंगे इस टाइप से हम क्या करेंगे हर एक रेफरेंस फॉर्मूले ओके ये जितने भी आपको दिख रहा है उसको हम क्या करेंगे प्रूफ करेंगे ओके okay? तो फॉर्मूला का प्लीज आप नोट डाउन कर लो बिकॉज नोट डाउन करोगे तो थोड़ा बहुत याद हो जाएगा क्योंकि इन सभी के हेल्प से हम आगे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं फ्रॉम वीडियो नंबर फिफ्टीन ऑनवर्ड्स ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन में प्रूफ रहेगा बट फोर्टीन के बाद जो फिफ्टीन के बाद जो वीडियोज़ आएंगे उसमें क्या करेंगे इन सभी प्रॉब्लम्स जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे रिक्रंस फॉर्मूलों के ऊपर उनमें हम इन सभी चीज़ों का ओके इन सभी फॉर्मूलों का हम वहाँ पे हेल्प लेंगे ओके तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ को लाइक करें अपने तो दोस्तों में शेयर करें एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो थैंक यू थैंक यू सो मच